बिजली के बिलों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुल्क के कानून साजों के लिए बिजली के बिलों में इजाफा कितना परेशान कुन है, अरा के लिए पार्लियामेंट की राय पर देखते हैं फौजिया अली की रिपोर्ट। गर्मी और महंगाई के सताए आवाम के लिए बिजली के बिल परेशानी का बाइस बन रहे हैं। क्या बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा मुल्क के कानून साजों के लिए भी कोई परेशानी का बाइस है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब इस तरीके बिल आते हैं तो हम सबसे पहले अपना गुस्सा अपने घर वाले को उतारते हैं कि मेक श्योर किया जाए कि लाइटें बंद होनी चाहिए, पंखा बंद होना चाहिए, एसी तो दूर की बात होती है। इतनी शदीद गर्मी में हम एसी कोशिश कर रहे हैं कि ना चले, कोशिश करते हैं कि जो है वो दो लोग हैं तो एक ही कमरे के अंदर लाइट और पंखा चले। अब अगर हम बिजली के बिल देखते हैं तो उसमें मल्टीपल टैक्सेस हैं, मोर देन सिक्स टैक्सेस ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हम इसको कहते हैं कि नारवा सलूक किया जा रहा है। कंज्यूमर इतने यूनिट नहीं सर्व करते जितना कि उन पर हर किस्म का टैक्स लादा जा रहा है। एक इशू है ओवर बिलिंग का, लेकिन ओवर बिलिंग से हट के टैरिफ कीमत में और जिस तरीके से बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है इज जस्ट अ बिगनिंग। इस माह के एंड पे जुलाई पे जो बिल आएंगे उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर 70% लोग बिल देने के काबिल भी होंगे। नहीं, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बात यह है, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ एक माह से, क्योंकि मेरे बेटे ने सोलर लगवा लिया है और उस पर एक ही दफ़ा खर्चा हुआ है, लेकिन उससे बिल में बेहद कमी वाकई हुई है। हुकूमती अराकीन का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम अपोजिशन और इतिहादी अराकीन यही कहते हैं कि अगर बिलों में कमी नहीं की जा सकती तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। कैमरा मैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।